हेलो फ्रेंड्स, आईटी प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आज मैं बताने जा रहा हूँ वो है आज हमारा टॉपिक C++ में डायनेमिक बाइंडिंग प्रोग्रामिंग हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम डायनेमिक बाइंडिंग के बारे में जानना चाहते हैं। डायनेमिक बाइंडिंग इज रेफर्स टू लिंकिंग अ प्रोसीजर कॉल टू कोड डैट विल बी एग्जीक्यूट ओनली एट द रन टाइम। डायनेमिक बाइंडिंग क्या है? एक तरह का लिंकिंग प्रोसीजर है जो कोड को कॉल करता है, और ये एग्जीक्यूशन कब होता है? आपका रन टाइम पर एग्जीक्यूशन होता है। और डायनेमिक बाइंडिंग क्या है? कोड एसोसिएट प्रोसीजर है, और इस एग्जीक्यूशन टाइम पे ये इस चीज़ को कॉल करता है, और इसे हम लेट बाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। डायनेमिक बाइंडिंग को देखिए, यही चीज़ें मैंने इंग्लिश में यहाँ पे एक्सप्लेन किया डायनेमिक बाइंडिंग के बारे में। आपको इससे आसान डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगा जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आई होप कि ये डेफिनेशन आपको ईजी लगा होगा। लेट अस स्टार्ट विद एग्जाम्पल इन C++। दोस्तों, हम एग्जांपल देखते हैं C++ डायनेमिक बाइंडिंग का, हम प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। तो आपके पास आपके पास इंस्टॉल होगा देव C++ जो सॉफ्टवेयर है, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। यदि आपको कोई दिक्कत होता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक होगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। और मैंने ये प्रोग्राम बना रखा है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले C++ के लिए हम जो यूज़ करते हैं हेडर फाइल इंक्लूड आई स्ट्रीम, उसके बाद ये यूजिंग नेम स्पेस स्टडी, ये देव C++ पे यदि आप इसी प्रोग्राम को बनाते हैं तो आपको .h जो हेडर फाइल है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये यूजिंग नेम स्पेस ऐड कर देते हैं आप। उसके बाद हमने इंटीजर डेटा के साथ एक यहाँ पे हमने फंक्शन लिया है, और फंक्शन में हमने एक वेरिएबल कॉल किया है। उसके बाद हमने उस वेरिएबल को हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप कर दिया कि हमारा स्क्वायर कैसा होता है, 2 to the power 2। तो वो क्या होगा? हमारा स्क्वायर हो गया 2 square। तो यहाँ पे एक्स का हमने लिया था एक वेरिएबल जो हमने पावर कर दिया, क्यूब लिया तो मल्टीपल 3 से होगा वो मल्टीप्लिकेशन। तो ये ए हमने लिया था, a into a, ठीक है। क्यूब एंड स्क्वायर का आपने ये दो फंक्शन बनाया, तो फंक्शन को हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे एक मेन फंक्शन है जिसके अंदर कि हम उस एक वेरिएबल असाइन किया इंटीजर के साथ एक्स, और उसका वैल्यू हमने 10 असाइन कर दिया। और एक हमने वेरिएबल लिया है चॉइस इंटीजर के साथ। अब इसे हम डू वाइल के थ्रू कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, मैंने डू असाइन किया, डू में हमने मैसेज दिया, यदि यूज़र एंटर करता है 0 तो वो किसके लिए वैल्यू रिटर्न करेगा? स्क्वायर के लिए। यदि 1 करता तो क्यूब के लिए। और हमने चॉइस को यहाँ पे एंटर करवा दिया। अब वाइल लूप के अंदर चॉइस को हमने कंडीशन में रखा, वाइल चॉइस इज़ ग्रेटर देन 0 और चॉइस इज लेस देन 1। इंटीजर में हमने एक पॉइंटर PTR असाइन किया, ठीक है। अब इसे एक स्विच केस के अंदर हमने इस चॉइस को कॉल करवा दिया। स्विच केस में हमने दो केस बनाए, केस 1 PTR square, क्योंकि हमारे पास दो ही फंक्शन है जिसको हमको कॉल करवाना है, इसलिए दो केस हमने 0 और 1, और PTR = square ब्रेक केस 1, PTR = cube ब्रेक। सी, अब मैसेज को प्रिंट कराने के लिए हमने यहाँ सी आउट यूज़ किया, द रिजल्ट इज़। अब इस जो वेरिएबल हमने दिया था इसका वैल्यू 10 है एक्स का, उस वैल्यू को वो रिजल्ट में रिटर्न करेगा। अब जैसे इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, देखते हैं प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है सक्सेसफुली। अब इसमें जैसे आप 0 एंटर करेंगे तो ये स्क्वायर के लिए रिजल्ट देगा आपको 100। और दोबारा से यदि आप इसको रन करके आप क्यूब के लिए देखना चाहते हैं, उसके लिए आपको 1 प्रेस चॉइस में लेना पड़ेगा, 1 प्रेस 1000। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपको नॉलेज है वो आपको शेयर करें, तो आपको डायरेक्टली आपके पास वीडियो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आई टी प्रोग्रामिंग वन स्टेडियम कृष्णा, रजपूत।